वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टूडे इट्स अ स्किन केयर वीडियो गाइज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल बिकॉज मैंने इससे पहले कभी कोई स्किन केयर रूटीन या फिर स्किन केयर रूटीन मैंने नहीं दिखाया है मेरे चैनल पर एंड काफ़ी सारे यू नो रिक्वेस्ट आए थे मुझे इंस्टाग्राम में कि मैं स्किन केयर रूटीन एक यू नो रिवील करूँ। सो आज जो मैं स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ वो है दिस रेंज फ्रॉम प्लम। ये सारे प्लम के जो प्रोडक्ट्स हैं पांच प्रोडक्ट से मैं अपना आज का स्किन केयर रूटीन जो है वो ये करूँगी, करके दिखाऊँगी आपको। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। आई डोंट नो ये वीडियो कैसा रहेगा, कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, आई हैव नो आइडिया गाइस। अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको कैसे क्या करूँगी, बट लेट्स सी कितना तक कर पाती हूँ मैं। सो या दैट्स ऑल। एंड या वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गिव अ बिग थम्स अप एंड प्लीज 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 प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड या अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा बिकॉज कभी कभी ये वीडियो किसी की हेल्प में आ जाते हैं, तो अगर आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो वो भी आपके आपकी यू नो हेल्प में बहुत खुश हो जाएंगे। एंड या दैट्स ऑल। और कुछ सब्सक्राइबर्स मैंने कुछ व्यूअर्स मैंने देखा है कि उन लोग यू नो सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, सिर्फ आते हैं मेरे वीडियोज देखते हैं फिर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों गाइस? आई मीन व्हाई? क्योंकि सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना होता है गाइस, सिर्फ एक रेड बटन पर आपको दबाना होता है गाइस और एक लाइक करना होता है। एक लाइक में कितना टाइम लगता है गाइस? वीडियो देखकर आपको पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो दीजिए कम से कम। इतना मेहनत करते हैं आपके यू नो सारी वीडियोस बनाने में, सो थोड़ा सा मेहनत का फल तो हमको मिलनी चाहिए ना गाइस। सो प्लीज दस डोंट बी लेट एंड प्लीज मेरे इस परिवार को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए प्लीज मेरे साथ आइए, मेरी मदद कीजिए और मुझे ये फैमिली को ग्रो होने का चांस दीजिए। एंड आई लव यू गाइस। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है देन आई लव यू सो मच गाइस। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई लव यू। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे फेस पे कितने सारे ऑयल भरे हुए बिकॉज मैंने दोपहर को मॉइस्चराइजर लगाया था एंड इट्स इरिटेटिंग मी अ लॉट गाइस। आई जस्ट नीड टू वॉश इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल। एंड चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो ये जो मेरे स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप है, ये है प्लम ग्रीन टी क्लींजर। इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। एंड अभी मैंने प्लेन वाटर से अपना मुंह अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना गाइज, यू नो जेल लाइक टेक्सचर है इसके। एंड काफ़ी अमाउंट मैंने अपने हाथों में ले लिए हैं, अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी। इसके अंदर ना छोटे छोटे बीड्स जैसे है, यू नो बहुत सी सॉफ्ट बीड्स है, ये बिल्कुल भी स्क्रब पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट है ये, अपने स्किन पे कोई भी हर्ष नहीं है ये। एंड आपको ये जो क्लींजर है ना 60 सेकेंड्स तक अपने फेस पर सर्कुलर मोशन पे आपको अप्लाई करनी है एंड धीरे धीरे अप्लाई करना है ताकि सारे डर्ट्स पॉल्यूशंस ऑयल जो सब कुछ है आपके स्किन से चला जाए। एंड ये टियर फ्री क्लींजर है, अगर गलती से आपके आंखों के अंदर चला भी जाए तो बिल्कुल भी आपके आंखों को इरिटेट नहीं करता, क्योंकि मेरे बहुत बार जा चुके हैं ऑलरेडी। एंड आई एम लविंग दिस क्लींजर, बहुत अच्छे है, सारे ऑयल को ये यू नो एक्स्ट्रा जो आपके लेयर है ऑयल के सब कुछ ये निकाल देते हैं बहुत अच्छी तरह से। 1 मिनट तक आपको इसको मसाज करना है अच्छे से, फिर आपको प्लेन वाटर से मुंह धो लेना है गाइस। एंड आफ्टर दैट यू विल सी द रिजल्ट, ओ माय गॉड। सो आफ्टर वॉशिंग माय फेस आई विल कम बैक। सो गाइस आप लोग देख सकते हो आफ्टर वॉशिंग माय फेस ये बिल्कुल भी अभी मेरे मुंह में कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं ये पैड ड्राई कर रही हूँ अपने फेस टॉवल के साथ। एंड माई फेस बिकेम सो मैट, कुछ भी नहीं है, पूरा क्लीन हो चुका है मेरा फेस, बहुत फ्रेश फील हो रहा है मुझे। एंड अभी मैं ये सेकेंड स्टेप करने वाली हूँ जो है ये प्लम ग्रीन टी का जो ये क्लियर फेस मास्क है, इसे मैं अभी अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस में। एंड चलिए फिर।
तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, पूरा ख़त्म होने ही वाला है ये। मुझे बहुत पसंद है ये फेस मास्क। ये थोड़ा सा यू नो थिक है, आपको थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई करनी होगी। सो आप यह देख सकते हो मैंने पूरे फेस में अप्लाई कर लिया है इवनली, एंड थोड़ा सा यू नो टिंगिंग सेंसेशन होता है ये थोड़ा अप्लाई करने के बाद, बट इट डजेंट मैटर बिकॉज ये कुछ ही सेकेंड तक रहता है फिर चला भी जाता है। आई डोंट नो क्यों होता है। सो 10 to 15 मिनट्स मैं इसको अपने फेस पे रखूंगी, फेस के बाद वॉश करके आपको दिखाने वाली हूँ। बाय। Hey, so I came back after drying up my face. पूरी तरह से सूख चुकी है मेरे फेस मास्क जो है, बिल्कुल भी अभी नहीं लग रहा है मेरे हाथों पे। सो अभी मैं इसको वॉश करने वाली हूँ। Hello my beauties, after washing my face I came back. You can see the clear glow on my face. Oh my god, it's shining. So ये बिल्कुल क्लियर कर देता है अपने पोर्स को। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है थर्ड स्टेप, ये है ग्रीन टी टोनर है प्लम का। ओ माई गॉड, आई मस्ट से इज अ bomb.com प्रोडक्ट गाइस। ये आप पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज, सब कुछ लिखा हुआ है। यू कैन चेक इट आउट इजीली। ये ऊपर से ऐसे करके यहाँ से आवाज होता है टिक करके, ऐसे खोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये हाथ पे लेना है। ये मेरा गलती से लेफ्ट हैंड हो गया था, अभी मैं राइट हैंड पे इसको ले रही हूँ। एकदम से रानी कंसिस्टेंसी इसका देखिए, एकदम पानी जैसा है, बिल्कुल ही कुछ फील नहीं होगा अपनी स्किन पे, एकदम लाइट सा यू नो आपको फील होगा जैसे आप पानी लगा रहे हो अपने स्किन पे। देखिए पूरा एकदम वाटरी है, एंड दोनों हाथों के बीच में ये मैं इसको लेके मैं अपनी स्किन पे मुंह पे इसको प्रेस कर रही हूँ। हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है, बिल्कुल भी हर्ष नहीं होना है गाइस। टोनर हमेशा हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करके लगाना होता है, चाहे आप हाथ पे लेके लगा रहे हो या फिर कॉटन बॉल्स पे लेके लगा रहे हो, इट्स अप टू यू गाइस। बट यू नो इट मेक्स माई स्किन सो रिफ्रेश्ड। मुझे बहुत पसंद है ये वाला टोनर, आई जस्ट लव, वन ऑफ माई यू नो फेवरेट टोनर में ये टॉप वन में आते हैं। मुझे इतना पसंद है प्लम ग्रीन टी का टोनर जो है, मुझे बहुत पसंद है ये। मुझे एक इंस्टेंट फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है एक, एंड यू नो व्हाट, ये टोनर यूज़ करने के बाद इससे भी थोड़ा सा ग्लो आपको मिलेगा स्किन पे, आप देख सकते हो इससे भी थोड़ा सा ग्लो मिलता है। ओ माय गॉड। सो गाइस ये है फोर्थ स्टेप, और ये है ये प्लम ग्रीन टी फेस मिस्ट। एंड मैंने इससे पहले इसको एक ही बार यूज़ किया था, एक या दो बार ऐसा कुछ होगा, आई डोंट रिमेम्बर। पर आप इसको ना एज ए मतलब मेकअप फिक्सर भी यूज़ कर सकते हो, और स्किन प्रेप करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो बिफोर मेकअप। और इसका स्प्रे पहले काम नहीं कर रहा था बिकॉज कि मैंने बहुत दिन पहले इसको यूज़ करके रखा था, तो शायद यार घुस गया होगा अंदर। सो फाइनली इज वर्किंग। तो ओ माई गॉड, सो यहाँ आप देख सकते हो मैंने पूरा नहा लिया है फेस मिस्ट से, और मुझे ऐसे ही फेस मिस्ट यूज़ करना बेहद पसंद है बिकॉज ये बहुत कूलिंग सेंसेशन देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस गर्मी में फेस मिस्ट यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। Hey, so it's the fifth step and it's the last step of the skincare. It's the Plum Green Tea Mattifying Moisturizer, guys. I must say it's very, very, very suitable for oily and acne-prone skin. पीछे इसके सारे ingredients लिखे हुए हैं. You can check it out easily. It comes with this, you know, pump like structure. So आप इसको ऐसे press करके ले सकते हैं। अगर आपके फेस छोटा है तो एक ही पंप चलेगा, लेकिन आई एम टेकिंग टू पंप्स हियर। सो आपको ऐसे इसको वार्म अप करना है यूज़ करने से पहले। ये बहुत ही लाइट वेटेड है गाइस, इसको आपको वार्म अप करके फेस पे लगाना है। सो ये ज़्यादा काम करते हैं, एनी मॉइस्चराइजर आपको लगाने से पहले ऐसा करना चाहिए। ओके सो अभी फेस पे ऐसे डॉट डॉट करके पूरे ऑल ओवर माई फेस मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। फिर अप्लाई करने के बाद मैं इसे यू नो सर्कुलर मोशन पे इसको अप्लाई करूँ, मसाज करूँगी फेस पे। तो दिस इज द वे, आपको हमेशा ऐसे सर्कुलर और अपवर्ड मोशन पे ही मॉइस्चराइजर लगाना होता है गाइस।
कभी भी डाउनवर्ड पे आपको मसाज नहीं करना है, नहीं तो फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत ही जल्द आ जाएंगे आपके स्किन पे, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा रूल सबको फॉलो करना है, एंड ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन पे गाइस, एंड इट्स वेरी नॉन स्टिक। सो गाइस, पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है ये मेरे स्किन पे, एकदम भी स्टिकीनेस ऑयलीनेस नहीं है, कोई फील ही नहीं हो रहा है मैंने कुछ लगाया है स्किन पे, ये इतना लाइट वेटेड है गाइस। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सो उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन लव यू एंड बाय बाय।